आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके कितने घंटे या कितने दिन या पूरा साल बर्बाद हो गया सिर्फ एनीमे को देखते हुए। मुझे ये नहीं पता कि मैं इसको अच्छे से बता पाऊंगा या नहीं, पर मेरा मकसद है कि एक अवेयरनेस जो है आनी चाहिए सबके अंदर। हाय अगेन, वेलकम टू एनिमो एक्सपी। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप एनिमे एडिक्शन से जो है ओवरकम कर सकते हैं, यानी कि ईजिली उससे बाहर आ सकते हैं। बेसिकली जो अपने जो एनिमे लवर्स हैं, जो बहुत ही ज़्यादा एनिमे देखते हैं, उनको ओटाकू या फिर वीब्स बोला जाता है। बट ये जो टर्मिनोलॉजी है ये आपके ऊपर जभी तक सूटेबल है जब तक एक ये लिमिट के अंदर हो। अगर आपको ये जानना है कि आप एक एनिमे एडिक्ट हैं या नहीं, तो आप सिंपली पता कर सकते हैं अपने टाइम वॉचिंग से कि आप टाइम कितना लगा रहे हैं, और नहीं तो आप अपना चेक कीजिए कि आपका इमोशनल अटैचमेंट कितना होता है जब आप किसी एनिमे को देखते हैं, आपके सोशल बिहेवियर के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। और आप ये भी चेकआउट कर सकते हैं कि आप कितना मनी स्पेंड कर रहे हैं। हो सकता है आप बोले कि आप YouTube पे फ्री में देख लेते हैं या किसी अनदर वेबसाइट पे जाके फ्री में देख लेते हैं, लेकिन ये फिर भी आपको जो कुछ कॉस्ट कर रहा है। अगर अभी इसको सेक्रीफाइस नहीं कर पाओगे तो जो गोल्स हैं जो सोच रखे थे वो सेक्रीफाइस हो जाएंगे, ठीक है। मैं ये बताता हूँ कि मैंने किस तरीके से अपने टाइम को लिमिट किया। मैंने डेली वर्कआउट शुरू किया, वो भी डे में 2 टाइम्स, तो लगभग 2.5 घंटे के अप्रॉक्स जो है मेरा स्क्रीन टाइम सेव हो गया। यानी मैं स्क्रीन टाइम चलाऊंगा नहीं तो मैं एनिमे वैसे ही नहीं देखूंगा, या कुल मिला के मेरा फुल कट ऑफ हो जाएगा अपनी स्क्रीन से। एंड अपने फिजिकल पे वर्क करना कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो करना ही पड़ेगा आपको। एनिमे एडिक्शन को छोड़ने का एक और तरीका कि आप किसी और फैंडम को ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि आप एनिमे के फैंडम्स को फॉलो करने के बजाय किसी स्पोर्ट्स के फैंडम में जा सकते हैं या किसी साइंस के फैंडम में जा सकते हैं आप। और बस खुश रहें, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय, हैव अ गुड डे।